नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस चीन से शुरू होकर इसने पूरे देश में अपनी पकड़ बना ली है और यह आज भारत में भी फैल रहा है। WHO के अनुसार इस बीमारी का कोई इलाज नहीं खोजा गया है, लेकिन इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है, वो भी कुछ तरीकों को अपनाकर, जैसे कि हम अपने हाथों को लगातार साफ रख सकते हैं। हम अपने गंदे हाथों से हमारे चेहरा जैसे कि आंख, नाक और मुंह ना छुएं, जिसके कारण कि ये फैलने से रुक सकता है। इसमें सबसे पहला चीज है, हम अपने हाथों को लगातार साफ रखें। आप अपने हाथों को लगातार साफ रख सकते हैं साबुन के उपयोग से और हैंड वॉश के उपयोग से, इससे ये वायरस नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी चीज है, हम सैनिटाइजर का उपयोग कर सकते हैं इस वायरस को मारने में। सैनिटाइजर उन जगहों पे उपयोग किया जा सकता है जहां पर कि हम साबुन का या फिर हैंड वॉश का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जो सैनिटाइजर है उसे हम कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस से बचाव के लिए सबसे जरूरी है साफ सफाई, जैसे कि हमारे दोस्त ने बताया। साफ सफाई के लिए साबुन, सैनिटाइजर और हैंड वॉश का यूज किया जाता है। हमारे मार्केट में साबुन और हैंड वॉश इजिली उपलब्ध है, लेकिन सैनिटाइजर नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, आज हम जब मार्केट गए थे लोग सैनिटाइजर खरीदने के लिए, तो देखे कि सैनिटाइजर तो पूरा मार्केट से ही गायब है। लेकिन जब दो चार दुकान पे देखे कि सैनिटाइजर मिल रहा है, लेकिन वो अपने नॉर्मल प्राइस से 4 से 5 गुना ज्यादा रेट में मिल रहा है, इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया और पता किया, उसके बारे में स्टडी किया कि आखिरकार इसमें क्या क्या मुख्य रूप से मिलता है। और जब हम लोगों ने देखा और उसके जो रॉ मटेरियल्स थे उसको हम मार्केट से खरीद कर लाए और फिर रूम पे बनाए, और उसके बारे में हम आपको शेयर करते हैं कि कैसे इजिली आप घर पे बना सकते हैं। जी दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं कि सैनिटाइजर बनाने के लिए हमने किन किन चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले हम एक खाली डब्बा लेंगे जो अच्छे से गर्म पानी या साबुन या सर्फ से अच्छे से साफ सुथरा हो। उसके बाद हम लेंगे मेनली ये स्प्रिट जो इजिली किसी भी मेडिकल शॉप पे उपलब्ध होगी। इसके बाद हम ये एलोवेरा लेंगे जो किसी भी मेडिकल शॉप पे भी मिल जाएगी, या हम अपने घर के आसपास एलोवेरा पौधा से भी इजिली निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें जरूरत होगी ये नारियल तेल की जो कॉमनली इजिली किसी भी लगभग हर घर में उपलब्ध होता है। और ये है गुलाब जल। मेनली इसका यूज हम सैनिटाइजर में करते हैं एसेंस के लिए, सुगंध के लिए। अगर ये न भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आइए हम देखते हैं कि सैनिटाइजर किस तरह बनाया जाए। इसके लिए सबसे पहले अपने हाथों को हैंड वॉश से धो लें ताकि ये वायरस फ्री हो जाए। उसके बाद मास्क भी पहन लें ताकि कंटामिनेशन का कोई चांस नहीं रहे। इसके बाद स्टरलाइज किए हुए डब्बे को खोल के पकड़ना, इसे हम नीचे नहीं रख रहे क्योंकि इसमें कंटामिनेशन हो सकता है। स्पिरिट लें, ये हमने 100 ml की एक बॉटल ली है, इसे इसमें पोर कर लिया हमने। ये लगभग 200 ml स्प्रिट हो गया। ये हमने स्टरलाइज किए हुए बॉटल में 200 ml स्प्रिट डाल दिया। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल नियरली हम आधा चम्मच डाल रहे हैं। हाफ स्पून हमने एलोवेरा जेल इसमें ऐड किया। इसे बिना हैंड कांटेक्ट के इसमें ऐड कर रहे हैं हम लोग। इस तरह हम इस बॉटल में एलोवेरा जेल हमने ऐड कर दिया। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हम ऐड करेंगे नियरली 5 से 6 ड्रॉप्स। और हम इसमें ऐड कर रहे हैं कोकोनट ऑयल। हमने इसमें कोकोनट ऑयल ऐड किया है 5 to 6 ड्रॉप। इससे ज्यादा नहीं देना है, नहीं तो स्लीपी हो जाएगा। इससे कोकोनट ऑयल हम मेनली इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कोकोनट ऑयल एक मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है, इससे आपके हैंड्स ड्राई नहीं होंगे। इसके बाद हम इसमें
रोज ऑयल डालेंगे नियरली 4 से 5 ml, यानी कि 1 चम्मच। इसमें रोज ऑयल डालने के बाद आप इसमें इस कंटेनर को बंद कर दें। इस कंटेनर को आप बंद कर लें, उसके बाद इस कंटेनर को अच्छे से मिला लें आप। और मिलाने के बाद ये हमारा हैंड सैनिटाइजर बिल्कुल रेडी है। हैंड सैनिटाइजर हमने 100 रुपए के अंदर तैयार किया है और ये हमारे पास 200 ml है। मार्केट में इसी की कीमत अभी लगभग 250 से 300 में ये मिल रहा है और इसे हमने 100 रुपए के अंदर तैयार किया। इस तरह आप लार्ज अमाउंट तैयार करेंगे तो आपको बहुत ही कम दाम मिलेगा। और इस तरह हम ये हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं और इस तरह आप हैंड सैनिटाइजर यूज करें। ये मार्केट में मिलने वाले हैंड सैनिटाइजर की तरह ही है। अच्छी खुशबू है। और इस तरह आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि मार्केट में हो रहे इस सैनिटाइजर से जो ये ब्लैक मार्केटिंग हो रही है इसकी ये रोका जा सके। ये भी सैनिटाइजर उतना ही कारगर है जितना आपके मार्केट में मिलने वाले सैनिटाइजर है। थैंक यू गाइस। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग जो आजकल ज्यादा दामों पर सैनिटाइजर खरीद रहे हैं जिनके पहुंच में ये चीज नहीं है वो आदमी वो ये आसानी से बना सके और इसे यूज कर सके। थैंक यू।